एक सवाल है रचित अग्रवाल जी का, इन्होंने ले रखा है सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज की, इन्होंने लिया है 3 रुपए में, 2-3 साल रखना चाहते हैं, इस पर नजरिया क्या है? अब ये 3 रुपए का शेयर उसको 2-3 साल में रखना चाहते हैं, सीकोस्ट शिपिंग, क्या इसमें कुछ दमखम है जिससे ये 2-3 साल का भरोसा बने इस पे? देखिए, पहले तो इतना छोटा शेयर है कि यहीं से मुझे पता नहीं कि इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रीड इवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सेक्टर है ना, ये लॉजिस्टिक सेक्टर है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर आप कंपनी समझ सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 10-15 साल के लिए नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये कंपनी समझना जरूरी है, फंडामेंटली इसको स्टडी करना जरूरी है। सिर्फ फिनेंशियल देख के 100-200 करोड़ की कंपनी को नहीं खरीदा जाता, सिंपल सी बात। सेक्टर ठीक है, बहुत किसी भी तरह से पैरामीटर्स इसके खराब नहीं है। मेन है कि इसको सेक्टर टेलविन के साथ आगे और कितना सपोर्ट मिलेगा, इसका आइडिया नहीं है। इसलिए कंपनी वालों से बात कीजिए, उनसे इनके प्लान समझिए, अर्निंग्स कैसे लाने वाले हैं ये समझिए, फिर आप इस पे 2 साल या 10 साल का नजरिया ले सकते हैं। देख के मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि पहली चीज कि आप इसमें एक बार ही घुसेंगे तो निकलने का कोई गारंटी नहीं है, अगर ये सर्किट पे चला, गिरा या चढ़ा तो ये मान के ही आपको काम करना है। दूसरी चीज, इसमें मेरे पास जो सहारा है वही है कि अभी बहुत राइज तो हो चुका है, 340 तक हो चुका है, इसके अगेंस्ट करेक्शन भी थोड़ा बहुत आपको दे दे, 2-3 रुपए के शेयर में क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 रुपए तक भी करेक्शन दे सकता है। आप इस पे रिस्क रहेगा भी तो कम से कम 30% का तो रिस्क रह सकता है, 3 रुपए के नीचे भी करीब इसका बैठता नहीं है रिस्क। कम से कम 2.5 रुपए के नीचे तो, 2.5 रुपए के पहले तो कोई भी सपोर्ट बैठता भी नहीं है, 2.5-3 रुपए का तो शेयर है, और इसमें क्या कह सकते हैं। तो प्राइस लेवल के हिसाब से 2.5 रुपए, 2.25 रुपए, यही ध्यान रखिए। नहीं ये रह गया तो कंसोलिडेशन लंबे समय तक चलेगा, और अगर सेक्टर टेलविंड आया तो हो सकता है ये आपको आने वाले 5 साल 7 साल में फायदा देगा, 1-2 साल का नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, ये छोटी कंपनी है, इस पे प्राइस लेवल और यहाँ फाइनेंशियल देखने से ज्यादा अच्छा है आप कंपनी में बात करने की कोशिश करें, इनसे प्लान समझने की कोशिश करें कि क्या प्लान है, कैसा रेवेन्यू, किस किस रेट पे रेवेन्यू को ग्रो करना चाहते हैं अगले 5 साल, किस रेट पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये टारगेट कर रहे हैं, किस रेट पे नेट प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं, आरओई कैसा टारगेट कर रहे हैं, ये सब समझने की कोशिश करें, तब फिर आप आगे इसमें पोजीशन लेने की सोचें। जी, ये जिस आकार की कंपनी है, आमतौर पे एनालिस्ट इनके मैनेजमेंट से बात नहीं कर पाते, या मीडिया अगर इन तक पहुंचना चाहे तो या तो मीडिया इनमें दिलचस्पी नहीं लेता, या कभी दिलचस्पी ले तो ये दबे छिपे रहते हैं कि भाई हमें बात नहीं करनी। ऐसे में एक सामान्य निवेश कहाँ से जाकर के इनके मालिक को पकड़ने जाएगा कि जरा हमें बताइए आपके प्लान्स क्या हैं और आपकी बैलेंस शीट कैसे चलने वाली है? और दूसरी चीज, देखिए, जी, जैसे ही आप एक कंपनी का शेयर लेते हैं, आप अगर उसमें फर्दर समझना चाहते हैं, आप कस्टमर रिलेशंस को अप्रोच डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई नुकसान है ही नहीं। वो अग्री ना करें वो तो उसके बाद का स्टेप है, लेकिन अगर कंपनी में मैंने ओनरशिप ली तो मैं कस्टमर रिलेशन से जरूर बात कर सकता हूँ, कहने के लिए कि मेरा और जी इतना इंटरेस्ट है इसमें स्टेक बढ़ाने का। मान लीजिए बड़ा इन्वेस्टर ही है, 200 करोड़ की कंपनी है, अगर 2 करोड़ का स्टेक ही लेना चाहेगा तो मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ, अगर हम 1-2 लाख रुपए का शेयर लेना चाहेंगे तो मैनेजमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक सब्सटेंशियल है तो कस्टमर रिलेशन के थ्रू आप आगे बढ़िए, अपने सवालों के जी जवाब लीजिए कस्टमर जरूर। रिलेशन या इन्वेस्टर रिलेशन, उनकी जो टीम होगी। सॉरी, इन्वेस्टर रिलेशन, वो कस्टमर बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर रिलेशन, सॉरी।